कि कार्य किसे कहते हैं। तो हम लोग आज लेसन नंबर 11 की शुरुआत कर रहे हैं कार्य। तो देखो, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगाने के बाद वस्तु में विस्थापन उत्पन्न होता है, विस्थापन का मतलब कुछ दूरी तय करती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु द्वारा तय की गई जो विस्थापन होता है, जो बल होता है, इसके अदिश गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं। कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं। कार्य एक अदिश राशि होता है, इसका मात्रक MKS पद्धति में जूल होता है और CGS पद्धति में अर्घ होता है। कार्य के जब सूत्र हम लोग लिखते हैं तो W बराबर F इंटू S, जब कोण बनता होगा तो cos थीटा हम लोग लिख देते हैं। कार्य मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक जो कार्य होता है वो धनात्मक कार्य होता है, और एक कार्य ऋणात्मक होता है, और एक कार्य शून्य होता है। तो किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं और वस्तु के द्वारा जितना विस्थापन तय किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो लिख लो कार्य की परिभाषा, किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल होता है, इसका मात्रक जूल होता है। यह एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, और इसका मान शून्य हो सकता है, इसका मान शून्य हो सकता है। और देखिए, इसका सूत्र होता है W बराबर या फिर इंटू डी कास थीटा, W बराबर या फिर इंटू डी कास थीटा, जहां W कार्य है या फिर बल है, डी विस्थापन है, थीटा कोण है, थीटा का है कोण। जब भी कोई पूछे कार्य का परिभाषा या कार्य किसे कहते हैं, तो हम बता सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए जो बल होते हैं और जो विस्थापन होते हैं, बल और विस्थापन का जो अदिश गुणनफल होता है, इसे हम लोग कार्य कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल भी होता है MKS पद्धति में, और CGS में अर्घ भी होता है, और हम लोग W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा लिख सकते हैं, जहां F बल होता है, D विस्थापन होता है, और थीटा कोण होता है। तो W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा होता है, F बल होता है, D विस्थापन होता है, और थीटा हमारा क्या होता है, कोण होता है। तो इस तरीके से जब भी कोई बात आपसे पूछे कार्य के बारे में, बल के बारे में, तो आप हमेशा इसको बताने का प्रयास करेंगे कि कार्य क्या होता है, बल क्या होता है। ठीक है, तो W बराबर या फिर इंटू डी कॉस थीटा, इसी से हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। हो गए, जरूर याद कर लेना। अब हम लोग देखेंगे कार्य के प्रकार। तो कार्य के प्रकार में कार्य मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। तब एक टाइप्स ऑफ वर्क।
कार्य के प्रकार। कार्य के प्रकार तो आप लिख सकते हैं कार्य मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कार्य मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक कार्य। देखो आपने लिखा है बाबू एफ बराबर डब्ल्यू बराबर ई एफ इंटू डी कॉस थीटा। इसके पहले तुम लोग को एक एक चीज बताते हैं चतुर्थांश। देखो यहाँ 0 डिग्री यहाँ 90 डिग्री ये प्रथम चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश या 90 से लेकर 180 होता है, हम इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। और यहाँ 180 से लेकर 270 हम इसे तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। 180 से लेकर 270 और इससे हम लोग चतुर्थी चतुर्थांश कहते हैं जो 170 से लेकर 360। याद कर लेना, प्रथम में 0 से लेकर 90 तक, द्वितीय में 90 से लेकर 180 तक, तृतीय में 180 से लेकर 270 तक, चतुर्थी में 270 से लेकर 360। ये सब चतुर्थांश होते हैं। इसके बारे में कोई पूछता है तो आदमी बता देता है। तो देखो प्रथम में आल पॉजिटिव। आल पॉजिटिव का मतलब ये होता है ना कि साइन रहेगा तो साइन में, कास रहेगा तो कास में, टेन रहेगा तो टेन में, काट रहेगा तो काट। लेकिन इसमें केवल साइन और कोसेक प्लस में होते हैं। अगर साइन 90 प्लस थीटा है तो प्लस कास थीटा में चेंज होगा, यानी साइन प्लस में बदलेगा, कोसेक में रहेगा तो प्लस में बदलेगा। और तृतीय में टेन और काट प्लस में रहते हैं। अच्छा चतुर्थी में कास और सेक प्लस में रहते हैं। तो ये में कासी की बात हो रही है तो धनात्मक कार्य का मतलब भी देखा जाएगा कि दो कंडीशन इसमें होते हैं कि आखिर कार्य कब धनात्मक होगा। तो देखो कोण 0 से लेकर के 90 तक बने तभी कार्य धनात्मक होगा, ठीक है। और कोण 270 से लेकर के 360 के बीच में बनता है तभी कोण क्या होता है, यानी प्रथम चतुर्थांश में और चतुर्थी चतुर्थांश में कार्य कैसा होता है, धनात्मक होता है। चलो ये तो बात हुआ। और अगर मान लो एक और धनात्मक होता है कि अगर कोई वस्तु ये है, वस्तु है कोई, और इस वस्तु पर आप इधर से बल लगा रहे हैं, वस्तु पर माने बल लगा रहे हैं, अब वस्तु अगर आगे गति करता है, वस्तु किधर गति करता है आगे, वस्तु पर आपने बल लगाया या और वस्तु आगे गति करता है तब भी इस पर जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। किया गया कार्य कितना होगा, धनात्मक होगा। तो लिख लो धनात्मक कार्य में कि जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु आगे के दिशा में गति करता है तो उसे जो कार्य किया जाता है उसे धनात्मक कार्य करते हैं। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु आगे की दिशा में गति करता है तो उसे जो कार्य किया जाता है उससे हम लोग धनात्मक कार्य करते हैं। नोट पॉइंट में लिख लेना, जब थीटा के मान हैंगा 0 से अधिक या 0 हो और 90 से कम हो, जब मान हो तथा
तथा जब थीटा का मान 270 से बड़ा और 360 से कम हो तब भी कार्य धनात्मक होगा। कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। मान लो डबल कोण आपका दे दिया 30 डिग्री, तो डब्ल्यू बराबर हम लोग सूत्र पढ़ के आ रहे हैं, डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू डी कास, जहाँ थीटा है तहाँ 30 रख दो तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी कास 30 के मान करने में 3/2 तो जाएगा करने में 3 एफ इंटू डी अपान 2, तो प्लस मारे थे कार्य धनात्मक होगा। पहला बात। दूसरा बात, थीटा बराबर 60 डिग्री तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी कास 60, तो एफ इंटू डी कास 60 मान 1/2 तो एफ इंटू डी 2/2 हो जाएगा। तो ये भी कार्य दो कंडीशनों में धनात्मक। अब चाहे तो तीसरा कंडीशन में लिखा सकते हैं डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी कास, मान लो यहाँ पर 300 है तभी आप इसको एफ इंटू डी वैसे ही लिखेंगे, कास 300 को 360 माइनस 60 में तोड़ देंगे तो एफ इंटू डी कास 60 आ जाएगा, अका 60 माने 1/2 तभी कार्य धनात्मक। तो कार्य देख लो, कार्य धनात्मक तब तक होता है जब तक का होता है, तो जब भी कार्य के प्रकार पूछेगा तो पहले आप देख रहे हैं धनात्मक कार्य, और धनात्मक कार्य तब होता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु आगे की दिशा में गति करता है तो उससे जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग धनात्मक कार्य कहते हैं। और हम कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी कास थीटा लिखते हैं, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी कास थीटा लिखते हैं। जब थीटा का मान 0 से बड़ा हो, 90 से कम हो, या जब थीटा का मान 270 से बड़ा हो, 360 से कम हो, तब भी कार्य धनात्मक होता है। उदाहरण के द्वारा आप बता सकते हैं इसका कार्य कब होता है। नमस्ते, तब आत्मा कार्य बता रहे। रियात्मक कार्य देखो, जब आप रियात्मक कार्य की कहेगी तो क्या कहोगे कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते, मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, इस तरीके से कोई वस्तु है और वस्तु ने हम पर ऐसा बल लगाया और वस्तु हमारे तरफ ही गति करे इस तरीके से, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वस्तु को बल लगाते हैं और वस्तु मेरे ही दिशा में हमारे विपरीत गति करता है, तो इस प्रकार के जो कार्य प्राप्त होते हैं उसको ऋणात्मक कार्य कहते हैं। उल्टा उल्टा, जैसे ट्रक खड़ा है, जब उसको तुम गति करोगे तो ट्रक आगे नहीं बढ़ेगा, ढलान अगर पीछे बढ़े तो पीछे ही पाए गति करने लगता है, तो जो कार्य होगा ऋणात्मक होगा। और कास का मान किस में, अभी तो तुमको देखे थे चतुर्थान जब बनाए थे तो इसमें माइनस में था, 90 से लेकर के 180 के बीच में, और एक इसमें ही माइनस था 180 से लेकर के 270। तो लिखो ये आप बताए कि जब गुड मॉर्निंग किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु विपरीत दिशा में गति करता है, विपरीत दिशा में गति करता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। अच्छा, नोट पॉइंट पे लिख लेना कि जब कोण यानी थीटा का मान 90 से अधिक हो, 180 से कम हो, तथा जब कोण का मान 180 से अधिक हो,
ठीक है, और 270 से कम हो तब भी कार्यात्मक होता है। इसमें प्रूफ करके दिखा दे, मान लो कि एक उदाहरण दिखा दे इसमें, ये थीटा का मान तुम्हारे पास आ गया कितना डिग्री, मान लो थीटा का मान आ गया तुम्हारे पास 40 डिग्री, 40 के मत रखो 90 से 120 रखो 120 डिग्री, तो कहीं कहा कि तनिक कार्य बताइए कहाँ होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो डब्लू बराबर एफ इंटू डी कास थीटा आप लिख लो, थीटा जब 120 लिख लो तो कहा हो जाएगा एफ इंटू डी कास 120 का मान निकाल लो, कास 180 माइनस 60 में तोड़ दो, हमेशा 180 छोड़ देते हैं, ये कॉस कॉस में रहता है लेकिन माइनस में चेंज हो जाएगा, तो एफ इंटू डी देखिए माइनस कॉस 60 हो जाएगा, तो एफ इंटू डी और माइनस कॉस 60 को मान माइनस 1/2, तो माइनस एफ इंटू डी 2/2, तो माइनस में आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो ये ऋणात्मक कार्य होता है, तुम्हारे जब ऋण की चिन्ह लग जाएगा ना, जो वर्क देख रहे हो कार्य के, जब इसके आगे ऋण का चिन्ह लग जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, कार्य ऋणात्मक, तो नोट कर लो, हो गया नोट। अब एक तीसरा हम लोग देखेंगे, ये अभी 9 के पढ़ रहे हैं, पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, अभी 10 को पढ़ाया जाएगा। तो यह होता है कार्य ऋणात्मक, माने जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं और वस्तु विपरीत दिशा में गति करता है तब जो कार्य होता है वह ऋणात्मक कार्य होता है। हालांकि कोण भी, कोण की बात करेंगे तो 90 से लेकर के 180 के बीच में होगा तब भी कार्य आपका ऋणात्मक होगा, और 180 से लेकर के 270 के बीच में होगा तब भी कार्य ऋणात्मक होगा। तुम लोग भी देख लो कैसे मान निकालोगे, जब भी कोई कहता है कि 120 का मान कितना होगा तो 180 माइनस 60 में तोड़ देते हैं इसको, तो 180 में तो कुछ चेंज होता नहीं, और ये होता है किस में, 60 होगा, लेकिन कौन चतुर्थांश में, तृतीय में, क्योंकि तृतीय 90 और 180 के बीच में होता है, कोई 120 पूछेगा तभी तृतीय में रहेगा, 150 पूछेगा तभी तृतीय में रहेगा, 160 माने 180 तक तृतीय में रहेगा, तो तृतीय में केवल साइन और कॉस प्लस में रहता है बाकी सब माइनस में होता है। तो मान लो कि यहाँ पर जो दिया है 120 तो द्वितीय में होगा, 180 और 60 में तोड़ दो तो 180 छोड़ देते हैं केवल 60 रहते, लेकिन द्वितीय में केवल साइन और कोसेक प्लस में होता है, कास माइनस में, तो इसको माइनस लगा देंगे आगे, और कास 60 के बाद हम लोग 1/2 देखते हैं, तो माइनस एफ इंटू डी ये माइनस आगे कर देना है, तो ये इसलिए ऋणात्मक कार्य हो जाना। कोई कहता कहता नहीं कास 150 का मान बताओ, मान लो कोई कह दिया कास 150 का मान बताओ, तो ये भी किसने कौन चतुर्थांश में, द्वितीय में, तो इसको भी निकाला गया तो कास 180 माइनस 30 में तोड़ दो, तो कॉस 180 छोड़ दो, कॉस कॉस में रखोगे लेकिन माइनस में, कॉस 30 माइनस और कॉस 30 को मान करने में 3/2 होता है, रख करके इसको हल कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही निकाला जाता है। तो एक लास्ट लिख लो, शून्य कार्य, शून्य शून्य कार्य, देखो जब ये बात को आपसे कोई पूछेगा शून्य कार्य जीरो वर्क करते हैं, तो देखो अच्छा आप तुम पढ़े थे ना डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी कास कितना दिखा रहे हो 90, अगर कॉस 90 का मान कोई पूछेगा तो कितना आता है जीरो, तो सब जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा, तब कार्य जीरो होगा, कब, जब कौन कितना डिग्री का बनेगा 90 डिग्री। तो एक बात तुमको बताते हैं, सुनो कोई वस्तु है देखो कार्य कब कब शून्य होता है, जैसे हम लोग हैं किसी वस्तु को हम लोग माथे पर रख करके चुपचाप खड़े रहें, चुपचाप खड़े रहें तभी कार्य शून्य हो जाएगा। दिन भर हम लोग दीवार को ढकेलते रहे, दीवार हिला ही नहीं, दीवार में गति नहीं हुआ तभी कार्य आपका शून्य होगा। और किसी वस्तु पर लंबवत तो बल लगाएं, जैसे मान लो ये बेंच है उसको लंबवत बल लगाओगे तो बेंच पर कोई असर नहीं पड़ेगा तभी कार्य आपका शून्य होगा। जब लंबवत बल लगाते हैं तभी ये थीटा का मान 90 डिग्री होता है, तभी कास 90 का मान जीरो होता है, और जीरो से इसमें गुणा करोगे तो डब्ल्यू का मान टोटल आपका जीरो हो जाएगा। तो लिख लो इस चीज को, देखो जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर
उस समय विस्थापन उत्पन्न नहीं होता है, विस्थापन उत्पन्न नहीं होता है, तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य शून्य होता है, शून्य होता है। नोट में लिख लो कि यदि किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर लंबवत बल लगाया जाता है तब भी कार्य शून्य होता है, इस तरीके से शून्य होता है। ठीक है, जब भी आपसे कोई पूछे तो आप इसको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर कोण दूसरा कोण अगर 270 है तभी कार्य शून्य होगा, डब्लू बराबर या फिर इंटू डी कॉस 270, ये डब्लू बराबर या फिर इंटू डी ये कॉस 180 प्लस 90, डब्लू बराबर या फिर इंटू डी कॉस 180 छोड़ देंगे, कॉस 90 है क्योंकि माइनस 90 होगा, और डब्लू बराबर या फिर इंटू डी कॉस 90 का मान 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। और ये कब आता है बाबू, लंबवत आता, ऊपर जब बल लगाओगे तब 90 आएगा, तो 270 पर बल लगाओगे तब, जब हम लोग लंबवत बल लगाते हैं तभी इसका मान शून्य होता है। तो कार्य तीन प्रकार का हम लोगों ने देखा, एक धनात्मक कार्य, एक ऋणात्मक कार्य और एक शून्य कार्य। तीनों का डिफिनेशन भी हम लोगों ने देखा कि जब किसी वस्तु के द्वारा कार्य धनात्मक होता है तो हम उसको धनात्मक कार्य कहते हैं, जब वस्तु के द्वारा कार्य ऋणात्मक होता है तो हम उसको ऋणात्मक कार्य करते हैं। सबके कंडीशन हम लोगों ने देखा। कार्य कब शून्य होता है उसको भी हमने देखा कि जब किसी वस्तु पर हम लोग लंबवत बल लगाते हैं तो वस्तु पर जो किया गया कार्य होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक है, कैसा होता है, शून्य। इस तरीके से अगर कोई आपसे पूछे तो इसको हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, बता दोगे? कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं, कुछ सवाल, बस 5 मिनट में तब आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। मान लो कोई कहा कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 10 न्यूटन है, विस्थापन जो है 20 मीटर है और कोण जो है आपका 60 डिग्री है, तो किया गया कार्य आपको बताना है। तो सिंपल बात है, कार्य जब पूछ रहा है तो डब्लू बराबर या फिर इंटू डी कॉस आप कितना रखेंगे, 60। अच्छा, हाँ, या फिर कहाँ 10, जहाँ डी है तहाँ 20, 60 का मान एक कटा दो कटोगे 10 वर्ग 10 था 100, तो डब्लू का मान 100 जूल आपका आंसर आ जाए। डब्लू का मान कितना जूल आ जाएगा, 100। दूसरा या बराबर 20 न्यूटन और डी बराबर 50 मीटर, थीटा बराबर 90 डिग्री, तब आपको डब्लू बताना है। तो क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर या फिर इंटू डी कास 90, तो डब्लू बराबर या फिर मान 20, डी का मान 50, कास 90 के 0, तो टोटल आपका कहा जाएगा 0। इस तरीके से डब्लू हम लगा, तो नोट कर लो।